हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का लोयल क्लासेस पे स्वागत करता हूं। और एसएसएससी की मेंस भर्तियों के लिए ऑनलाइन पोर्टल में डिले का नोटिफिकेशन आपने देखा, और आज संभावना है कि वो जो आपका ऑनलाइन पोर्टल है ऑनलाइन फॉर्म के लिए 31,998 पदों के लिए वो आज स्टार्ट हो जाएगा। क्या लिखा है आज की न्यूज़ में देखिएगा। ग्रुप डी के लिए अप्रैल में खुलेगा पोर्टल, यानी ग्रुप डी के लिए जो है एक बार फिर से जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं करा उनसे अप्लाई करवाया जाएगा और अप्रैल में ये पोर्टल स्टार्ट होगा। अगस्त सितंबर में ग्रुप डी का सीटी जो है वो संभव है। ग्रुप सी के 31,998 पदों के लिए पोर्टल का डेमो आज से स्टार्ट हो जाएगा, और सब कुछ ठीक रहा तो इसे जो है सबके लिए ओपन कर दिया जाएगा। अब देखिए ये न्यूज़ जो है ये आज की न्यूज़ है, मैं आप सबको बताऊं, दैनिक भास्कर 19 मार्च 2023 की ये न्यूज है और उसमें क्या कहा गया देखिएगा। ग्रुप सी की भर्ती प्रक्रिया में देरी होने के बाद अब ग्रुप डी की भर्तियों के लिए होने वाला सीटी को लेकर पोर्टल अप्रैल में खोला जाएगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने निर्णय लिया है कि ग्रुप सी के 31,998 पदों के लिए प्रेफरेंस देने के लिए आवेदन की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। रविवार को इस संदर्भ में डेमो होगा। कुछ युवा अपनी प्रेफरेंस देकर देखेंगे, यदि किसी तरह की तकनीक की दिक्कत आई तो पहले उसे दूर किया जाएगा। पोर्टल पर पहले युवा अपनी प्रेफरेंस देंगे, इसके बाद परीक्षा ली जाएगी। यानी भैया आज ये स्टार्ट होने के चांसेस है, तो आज इसके बारे में एचएसएससी हो सकता है नोटिफिकेशन भी जो है जारी कर दे, या आपको किसी प्रकार का जो है पोर्टल के लिए लिंक जो है एचएसएससी की वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। और प्रोसेस बाकी आप सबको पता, पोर्टल पर पहले युवा अपनी प्रेफरेंस, इसके बाद परीक्षा, और अप्रैल में ग्रुप डी के लिए पोर्टल खोला जाएगा। इसमें वो युवा भी आवेदन कर सकेंगे जो किसी कारणवश जो है पहले जिन्होंने इसमें आवेदन नहीं करा था। आवेदन में इसके लिए कोई खास बात है, युवा अपने आवेदन में संशोधन भी कर सकते हैं। ग्रुप डे के लिए इसी साल अगस्त सितंबर में सीटी लेगा, एनटीए इस परीक्षा का आयोजन करवाएगा। हालांकि आप सबको ध्यान हो कि अब जो ये परीक्षाएं होंगी इसका आयोजन एचएसएससी करेगा, मेंस भर्तियां एचएसएससी लेगा, एनटीए केवल सीटी लेगा, और ग्रुप डी की 12,000 भर्तियां जो है वो निकाली जाएंगी। तो हो सकता है अगस्त सितंबर तक जो ये वैकेंसीज की संख्या और बढ़ जाए, नहीं तो 12,000 तो यहाँ पे बताई ही गई है। और ग्रुप सी की भर्ती प्रक्रिया में दिसंबर तक का समय जो है वो लग सकता है, यानी ये पूरे की पूरी ग्रुप सी की जो भर्तियां हैं कंप्लीट प्रोसेस बताया गया दिसंबर तक का लग सकता है। तो एग्ज़ाम डेट पहले ही जारी कर दी गई है, आप सब अपनी तैयारी करिएगा, और आप सबको बेस्ट विशेज, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।